गाड़ी आ गई है हमारी, अब हम इस पे देखो, हम लोग अपने साथ कान्हा जी को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी को यहाँ खाना बिना कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए ये मुंबई चल रहे हैं। अब निकली बुरा गिल्ली, चलो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं मेरे यहाँ 5:30, और 5:30 बजे देखो कितना उजाला हो गया इधर। डॉगी को देखो भूसे पे सो रहा है, क्योंकि ठंडी लग रही है ना। माय गॉड, ये देखो सुबह सुबह गाइस ये नहा चुकी है, कपड़ा विपड़ा डाल रही है। मुझे पता चला अभी अभी कि हम लोगों का तत्काल टिकट हो गया है मुंबई जाने का। तो ये देखो मेरी तैयारी सब हो रही है फटाफट, क्योंकि अभी शाम की टिकट है। तो एक गोनी आलू ले लिए हैं, बाकी चावल ले लिए एक गोनी, ताकि वहाँ पे कुछ दिन के लिए कुछ खरीदना ना पड़े। जब भी देखो काम कर रही है फटाफट, जल्दी जल्दी कर रही, क्योंकि उसके बाद तैयारी भी करनी है और खाना पीना भी बनाना है ले जाने के लिए। नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ, तब से मेरी सखी भी आ गई है। देखो आज हो रहा है गुड मॉर्निंग, आपने नहीं बोला गुड मॉर्निंग गाइस। आज तो गाइस छोड़ के चले जाएंगे आपको, जाओ गाइस जाओ। ये बहुत खुश है, जाओ गाइस। कैसे भी करके मैं यहाँ से जाऊँ, हाँ, इसका सारा नेट बच जाएगा, नहीं तो इससे हॉटस्पॉट लेती थी ना। चाय बन गई है और चाय के साथ अब पूरी और सब्जी जो गल के बची थी वो खा लेती हूँ। नाश्ता हो गया है सब अच्छे से, और अब मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। ये देखो सारा का सारा सामान जो लेके जाना है वो मैं पैक करूँगी, और जो नहीं लेके जाना है उसको यहीं पर रख दूँगी। कितनी सारी पैकिंग हो गई है, पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, और मैं और विशाल अब चल रहे हैं खाना खाने हम दोनों। ये देखो विशाल का दाल चावल निकल गया है, और देखो मोबाइल चला रहा है, और अभी हम दोनों ये खा के फिर उसके बाद फटाफट जो और भी बाकी है पैकिंग वो सब पैकिंग करेंगे। बनना बनना देखो स्टार्ट हो गया है, अभी हमारा पूरी बनेगी और सब्जी बनेगी सिर्फ फटाफट, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा हो रहा है। अभी देखो 1:15 हो गया है और अभी स्टार्ट ही हो रहा है खाना। सब कुछ इधर पर रेडी हो चुका है, सब्जी पूरी चावल फ्राई सब कुछ रेडी हो गया है। देखो सारा सब कुछ रेडी होके अब पैकिंग वैकिंग हो जाएगी। भाभी खाना खा रही है और विशाल नहा धो के आ गया है, सब पैकिंग हो चुकी है, अब बस निकलने की देरी है। बस पान आ रहा है हमारा, क्योंकि आज संडे है तो पान खा के निकलना चाहिए, तो वही पान आएगा मीठा वाला और हम लोग सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे और फिर निकलेंगे। गाइस मैं अपने सखी को आज छोड़ के जा रही हूँ, कल से ये वीडियो में नहीं आएगी। टाटा बाय बाय बोलो। लास्ट फोटो सखी के साथ ले ली हूँ, अब सखी के 2 महीने बाद सखी से मिलूंगी, अब मई में आऊंगी तब। पान में खा लियो, काहे भगा, चला गुरु हाँ अब निकली गुरा गिल्ली, चला सखी हाँ पान लगी। आओ छोड़ दे भड़की माई, कहाँ गई है, चलो अब 2 महीना बाद, 2 महीना बाद आ जा मई में। गुरु लोगों का सारा सामान निकल रहा है, चाचा और भैया सब मिलके निकाल रहे हैं। भाभी देखो अपना मौज मस्ती कर रही है, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सारा सामान हम लोगों का आ गया है, गोनी 2 बाकी 4 ये, और अब हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का। स्टेशन हमारा काफ़ी अच्छा बन चुका है भदोही का। भाभी गोनी चावल पे बैठी है, देखो गाड़ी आ गई है हमारी, अब हम इस पे चढ़ेंगे फटाफट अभी। थैंक यू।
कंफर्टेबली हम लोग बैठे। इसको देखो ये अपने मस्त है फाइनली। मुंह देखेंगे तो बांदर की जैसा। ट्रेन में चढ़ते ही देखो विशाल खाना स्टार्ट हो गया है और मैं भी वेफर खा रही हूँ। विंडो सीट बहुत पसंद है, मैं इसलिए विंडो सीट पे हूँ। हम लोग खाना घर पे नहीं खाए थे तो अभी खाना खा रहे हैं। विशाल के लिए खाना निकल रहा है, मैं दूसरे में खाऊंगी। मेरे लिए दे दो दही के साथ चावल फ्राई। देखो हम लोग अपने साथ कान्हा जी को भी लेके चल रहे हैं क्योंकि कान्हा जी को यहाँ खाना बिना कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए ये मुंबई चल रहे हैं। अभी जस्ट ठंडा लिए, आप ठंडा पी लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बच्चा रो रहा है, उसके लिए थोड़ा दूध लिया गया है। ए, बच्चे के मन को शांति मिली। अब रोना मत, ठीक है। अलाहाबाद गाड़ी रुकी हुई है और वहाँ से वैसे काफ़ी भीड़ है, जनरल से भी बस्तर हो गया है ये। आधा रास्ता तो अब इसी पानी से निकल जाएगा, पानी ले लिया वैसे अलाहाबाद में। रात के बज रहे 8 और मैं और विशाल देखो आराम से सो रहे हैं। विशाल फ़ोन चला रहा है और मैं आराम से लेके विंडो सीट के पास अपने, तो अभी खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हो गया है हमारा दूसरा दिन, भोपाल पहुंच चुके हैं और समय हो रहा है, इस टाइम की बात करें तो 8 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग सो के उठे हैं, फिर यहाँ से अभी कुछ लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि खाना तो हो गया है सब खराब, तो वो यूज़ हो नहीं सकता है और डिब्बे में काफ़ी भीड़ है। रिजर्वेशन से अच्छा है कि चालू में आ जाओ तो सही है। टॉयलेट बाथरूम करने के लिए भी प्रॉब्लम, वहाँ पे भी 10-20 लोग आराम से खड़े हुए आपको मिलेंगे। बज गया 11 और अब बहुत जोरों की भूख लग गई है, तो फिर इटारसी जंक्शन में हमारा आया है देखो छोले। अभी छोले के साथ जो हमारी पूरी बची हुई है वो पूरी खा के ख़त्म करेंगे। 2 बज गए हैं और कोई तो स्टेशन आया था। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है मुंबई में, तो विशाल काकड़ी लेके आया है। शाम के बज रहे हैं 4:15 और ये देखो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पब्लिक देख रहे हो कितनी भीड़ हो गई है। तो मैं ऊपर बैठी हूँ और छाछ वाले आए थे मसाला छाछ देने के लिए, फिर वही हम लोग मसाला छाछ लिए, मैं ये पी लेती हूँ। गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन ये। सो फाइनली हम लोग मुंबई पहुँच गए हैं, आज थाना स्टेशन पे जस्ट उतर रहे हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम 10:48, बहुत ज़्यादा लेट थी गाड़ी और लोग बहुत बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। भाभी को देखो तो मस्त बैठी है अपने जगह पे, जैसे भदोही में बैठी थी, और मेरे जीजा लेने आए हुए हैं। अब 11 बजे से निकलेंगे तो भाईंदर पहुँचते 2 घंटे लग जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।